अभी यहाँ से जाने दो ना। आगे से भी तो मैं यहाँ से राजेश जी और नागेश जी बहुत सारे गेटअप करेंगे। अभी फिलहाल पहला जो गेटअप उनका जॉनी वॉकर का है, तेल मालिश, सबकी मालिश करेंगे यहाँ पे उस गाने पे, आप लोग एंजॉय करेंगे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। थकता हूँ रात भर से आके बाम पर, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने बनाया। अभी स्टेशन पहुंच गए हैं और काफी रश है। क्या हुआ अम्मा? एक बार गिर। हाँ। अरे ये क्या हो गया? ये अचानक से स्टेशन पे काफी चलना पड़ता है। क्या हुआ? हम लोग इतना लगे ही नहीं थे। हाँ अभी ये भी ऐसे ही होना, रुक गया एक तरह से, अभी रुक गया, रुक गया। जैसे तुम बात कर रहे थे अम्मा की, ऐसा ही वो रुक गया। इधर 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 जैसे खिड़की से बाइक कर इधर बैठे, इधर हवा आएगी। हाँ बैठेगा बैठेगा, इधर यहाँ बैठे, बाइक कर दो बेटा, बाय। जर्नी रोड के बाद आए। हाँ 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 दोस्तों, मेरी ननद मुझे ट्रेन में बिठा कर अब वो लोग बस ही चले गए और मैं और निशान हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव इस्लाम जिम खाना। तो ये देखिए कौन सा स्टेशन आने का, अभी आया है सांता क्रूज। तो मैं यहाँ से जाऊँ या वापस प्लेटफॉर्म पे जाऊँ? जवाब तो दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है यहाँ वही वहाँ से नजदीक है, मैंने अंदर वही प्लेटफॉर्म पे पूछा। ठीक है स्टेशन पे ही, स्टेशन से लगकर ही ये आपको इस्लाम जिम खाना दिखेगा। अभी मैं उतरी भी नहीं हूँ और ये देखिए जहाँ पे हम लोग को जाना है वो नज़ारा यहीं से दिख रहा है स्टेशन से। वाह अच्छा नहीं क्या? चलो आ जाओ। हाँ बेटा, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड आइडिया, कूद के ही चले जाओ। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं इस्लाम जिम खाना और देख रहे हैं आप पीछे इस्लाम जिम खाना लिखा हुआ है और आई थिंक एंट्रेंस आगे से है ना इजान? मेरे हस्बैंड है आरिफ जी और ये मुझसे पहले निकले थे और मुझसे पहले पहुंच गए। तो ये जो आज का फंक्शन है आप देख रहे हो, तो ये सोहेब भाई हैं, इनके बेटे की उनके बेटे की शादी का रिसेप्शन है, बेटे की शादी का रिसेप्शन है राइट। और इसमें हम लोग नहीं गा रहे लेकिन नागेश जी को इन्होंने बुलाया है, उनका परफॉर्मेंस है आज। नागेश जी, राजेश जी हैं और नागेश जी बहुत सारे गेटअप करेंगे। कौन से गेटअप करेंगे? अभी फिलहाल पहला जो गेटअप है उनका जॉनी वॉकर का है, तेल मालिश, सबकी मालिश करेंगे यहाँ पे उस गाने पे, आप लोग एंजॉय करेंगे। सोहेब भाई की बेटे की अहमद नाम है उसका, अहमद। तो अभी और ये है बबलू भाई, ये भी आरिफ के खास दोस्त है,
मेरे ख्याल से बचपन के दोस्त हैं और बस कुछ देर में मैं आपको वीडियोस जो स्टेज परफॉर्मेंसेज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैप्चर करके। बस स्टार्ट ही होने वाले हैं। देखिए आरिफ जी क्या कर रहे हैं। दोस्तों कुछ ही देर बाद आपके सामने एक बहुत ही अच्छा आइटम हम पेश करने वाले हैं जिसको आप इंजॉय करेंगे। और ये बिल्कुल अचानक हमारे ख्याल में आया कि आप लोग इस तरह बैठे हैं खामोश, तो आपको क्यों नहीं आपको एंटरटेन किया जाए, और एंटरटेन भी इस तरह किया जाए कि आप इसमें खूब हंसें और खूब झूमें। तो दोस्तों बस इंतज़ार कीजिए, थोड़ी ही देर में आपके सामने एक बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर हस्ती अपना परफॉर्मेंस पेश करेगी। ये है दूल्हा दुल्हन का स्टेज, बहुत ही खूबसूरत स्टेज बनाया है। आहा ब्लैक चॉकलेट यार, ये पान वाला तो देखने में बड़ा ऐसा लग रहा है, बट दोस्तों ये देखिए इन्होंने कैसे खिलाया पता नहीं। और मेरा बेटा भी जिद कर रहा है बट मुझे डर लग रहा है। नो ईजान हम लोग नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं आप उसको। हाँ दोस्तों ये है नागेश जी जो आज परफॉर्म। अरे तो बात तो करने दो मुझे ये। अरे जॉनी वगैरह वो। अच्छा ठीक है ओके। ये है नागेश जी, हाय नमस्ते। जो आज परफॉर्मेंस आज आरिफ और मेरा परफॉर्मेंस नहीं है, आज के स्टार है नागेश जी। नागेश जी क्या करने वाले हैं आज आप? आज देखिए आज हम बनने वाले हैं जॉनी वॉकर, और आज बनने वाले हैं देवानंद साहब, राजेश खन्ना, और एक रेट्रो का एक छोटा सा धमाल और तड़का देने वाले हैं। देखना ना भूलिए, आइए आप भी साथ। तेल मालिश? मालिश तो कर रहा हूँ मामो, बस इतना ही ना, बाकी स्टेज पे ना, बाकी तेल लगाना है तो स्टेज पे आए, इतना ही बजट है। और ये हमारी आर्टिस्ट एक और रेडी हो रही है, रेट्रो क्वीन। नागेश जी इंट्रोडक्शन देंगे इनका। नहीं, खुद इंट्रोडक्शन देंगे। बहुत अच्छी एंकर हैं। जी मेरा नाम है लुबना खान और आज हम लोग मैं और नागेश जी परफॉर्म करने वाले हैं रेट्रो सॉन्ग्स पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शॉर्ट एंड स्वीट। कैसे हैं? ये है हमारी रेट्रो, जो रेट्रो जो 70s का लुक जो देती है ये है। तो अभी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब इन लोगों का परफॉर्मेंस स्टेज पर होगा तो मैं वहां से जाके शूट करूंगी और आपको इन लोगों का परफॉर्मेंस जरूर दिखाऊंगी। दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। आसमां छू ले प्यार का राग सुन ले, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। Yeah.
हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अरे नहीं नहीं गाना निकाला मैं कहाँ चला गया निकाले थे हमने ये। एक ऐसे जोशीले नौजवान की जो मुंबई आया एक्टर बनने का ख्वाब लेकर। देवानंद की पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि लोगों ने उन्हें कहा कि आप ब्लैक कोट ना पहने, लड़कियां आपका ब्लैक कोट देखकर बेहोश हो जाती हैं। और ये बात देवानंद साहब ने मानी भी। लेकिन जो किस्मत को मंजूर था आखिर वही हुआ, ये नौजवान फिल्मी दुनिया में अपने कदम जमाने लगा। कभी CID बनकर तो कभी टैक्सी ड्राइवर, कभी बने मुनीम जी तो कभी बने पेइंग गेस्ट। हम बात कर रहे हैं एवरग्रीन देवानंद साहब की। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उस मकान पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकान पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। किसी की तो आंखें और मेरे दिल में प्यार,
किसी की दुआ की मेरी की दुआ की नहीं मतलब मेरे से तुम्हें कुछ खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, तकता हूँ रात भर से आके बाम पर, तकता हूँ रात भर से, तकता हूँ रात भर से आके बाम पर, तकता हूँ रात भर से आके बाम पर, मुझको भी महताब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। और ये शेर बिल्कुल सच्चा कि हमको नाराज आ सकी दुनिया की रौनके, हमको नाराज आ सकी दुनिया की रौनके, हमको नाराज आ सकी दुनिया की रौनके, तन्हाई के अजाब ने शायर बना दिया, क्या बात, खिलते हुए गुलाब ने दोनों को, दोनों के रिश्तेदारों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये जो रिश्ता हुआ है इस रिश्ते में मोहब्बत और बढ़े आगे और आपसे रिश्ता मजबूत हो और जिंदगी भर दोनों खुश रहें। और एक अबू हसन जी के लिए नागेश्वर धाम से सर, अबू हसन जी आपके तरफ, आपके लिए एक मुखड़ा या आपकी तारीफ में मैं गाता हूँ, आप एक्शन करेंगे ठीक है? ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इन्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के बिल अभी भरा नहीं, अभी नहीं कभी नहीं 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 जो आज इनकी लड़की की यहाँ पर हम लोग शादी के रिसेप्शन में इकट्ठे हुए हैं, परफॉर्मेंसेस किए हैं, जो मैं खुद एक बहुत बड़े हीरो हैं, इन्होंने रोशन चंद्र जैसे आशा चंद्र, आशा चंद्र तो आशा चंद्र से नहीं मेरी फ्रेंड अमित मेरी फ्रेंड है और मेरी सिस्टर है। तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा शोएब भाई, अच्छा लगा? उन्होंने माहौल क्रिएट किया है, आपने खुद ही ने माहौल क्रिएट किया और मेरी ले रहे हो, लेकिन इसमें डायरेक्शन शोएब भाई का ही था, नहीं, गाने का सिलेक्शन भी, गाने का सिलेक्शन मेरी थी, बाकी का जो
कुछ यहाँ हंगामा हुआ है वो सब आरिफ भाई की जिम्मेदारी थी और जिम्मेदार है वो। ये मेरे बिल्कुल भाई जैसे हैं, हम लोगों की दोस्ती आज माशाल्लाह 25 साल पुरानी दोस्ती है। 25 साल पुरानी दोस्ती है माशाल्लाह। हम और अगले 25 साल भी ऐसे ही चले इंशाल्लाह। आप लोग दुआ रहे छोटे लग रहे भाई। वो तो विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन हम लोग बहुत अच्छा, खाना भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत मुबारक। सभी घर वापस जा रहे हैं और जो जो आर्टिस्ट हमारे साथ थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी वो साथ में है ग्रेट में। और कैसा रहा इवेंट? बहुत ही आलीशान था और हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा था। वेरी गुड। और नागेश जी भी है लेकिन ये लोग बिजी है बात करने में, बात करने में दोनों बिजी है, घर जा रहे हैं। हाँ अभी घर जा रहे हैं, आपने देखा होगा जो भी आज का कार्यक्रम है और अल्लाह इस दोनों को खुशियाँ नसीब करे। इन दोनों को अपने पे कैमरा लगाओ, ये उठता जाता नहीं था। इन दोनों को, इन दो और इनको, इनको और इनको भी और एक और इनको भी एक ये हमारे और इनको इनके परिवार को मैं इनका ले लिया नहीं, ये हमारी पार्टी सोलो लिया। सुनो ना पीछे ना गिर। मैं खुदा का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ और ये मेरे बहन और ये मेरे भाई इन्होंने मुझे आज की रोजी रोटी में हिस्सा दिया और जो भी पैसे मिले उस पैसे से खून बने और मेरे जिस्म में रहे, मैं ऐसा मन रहूँगा। आमीन। लोग भी हैं हमारे टीम में। पैसे दिया खून पर ये भी हमारे नागेश इधर आइए ना। पकड़ो उल्टा ऐसे, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये तुम ये पकड़ो। चलो 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 चलो। और ये हमारे कैमरामैन जी है, इन्होंने सब संभाला है। और हमारी दीदी और ये हमारे घनश्याम जी, हमारे नागी जी के मेकअप आर्टिस्ट और मेरे मेरी मेकअप आर्टिस्ट वहाँ जाके करेंगे, अभी से भी बुलाती आ रही है। आज हमने बहुत अच्छा टाइम एक्सपेंड किया और बहुत अच्छे से काम किया, बहुत मज़ा आया। ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट कुछ जैसवाल, इन्होंने भी मेरी काम में आती है, हमेशा ही करती है क्योंकि ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट के साथ मेरी अच्छी दोस्त। दोस्तों ये था आज का दिन, आज का व्लॉग, आप लोग ने कंप्लीट व्लॉग देखा, आप लोग को कैसा लगा? और फिलहाल आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वो इजान बोलेगा सब्सक्राइब।